अगर आप रात जागते हो पढ़ाई करने के लिए तो आपको एक टिप दूंगा गाइस, 2 घंटे का पावर नैप लेते जाओ। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं उठ गया हूँ और बज रहे हैं 9 और नानी यहाँ पे इस रूम की साफ सफाई कर रही है और सुबह इतनी खतरनाक बारिश आई, इतनी खतरनाक बारिश आई। वो जो बिजलियाँ कड़क रही थी ना, उसके वजह से अपने घर के पूरे विंडोज भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, दरवाजे विंडोज सब। ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा ऐसा चमक रहा था बिजलियों से, ऐसे चमक रहा था। कोई बड़ी सी टॉर्च मार रहा हो, अभी आपको दिखाता हूँ। मेरी तो नींद ही खुल गई 5 बजे, लेकिन मैं वापस सो गया। चाहे कुछ भी हो, नींद जरूरी है। मौसम कुछ ऐसा है, नीचे सब गीला गीला है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश होती थी और पूरे बादल। तुलसी का पेड़ देखो गाइस, पूरा झुक गया है ऐसे हवा के झोंकों की वजह से, पूरा झुक गया है, सब गीला गीला। अभी भी ऐसे हवाएं आ रहे थे हवाओं के झोंके, बहुत ठंडी लग रही है आज। कल इतनी धूप थी और आज देखो गाइस इतनी ठंडी है। तो अभी मेरे लिए बन रही है चाय, ऐसे ठंडी के मौसम में मस्त गर्मा गर्म चाय बना रही है मम्मी। में है गर्मा गर्म चाय, तो अभी चाय का मज़ा लेता हूँ इस ठंडे ठंडे मौसम। इतनी बारिश में भी, इतने तूफान में भी ये गुलाब का फूल खिलखिलाया, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी पानी मारने की क्या ज़रूरत है, सब काम बारिश में कर। बढ़िया। बाहर चल के देखते, अभी तक पढ़ाई कर रहा था, मैंने अभी नहा लिया है और मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा था। अभी बज रहे हैं 11:15 और अभी मस्त धूप खिली है, इतनी बढ़िया धूप। पता चला है कि 2-3 दिन ऐसे ही बारिश आने वाली है, अभी देखते हैं ये बात कितनी सच है। और अभी मैं लंच कर लेता हूँ, लंच का टाइम भी हो गया है। दाल फ्राई, रोटी और चावल, तो मैं अभी लंच करता हूँ और ट्यूशन को जाने का टाइम भी आ गया है, तो अभी मैं ट्यूशन को जाता हूँ। तो अभी मैं ट्यूशन से आ गया हूँ, चाय वगैरह पी ली और बाहर तुलसी की कटाई हो रही है क्योंकि वो बारिश की वजह से ऐसे झुक गई थी ना, वो हवा तूफान वो जो आया था रात को उसकी वजह से ऐसे झुक गई थी, तो अभी कट रही है। उसको ऐसा स्ट्रेट करेंगे एकदम स्ट्रेट। कल संडे है तो कल मेरे ट्यूशन को छुट्टी है, तो कल काफ़ी अच्छे से ब्लॉग बना पाऊंगा। कल गाड़ी सीखने जाएंगे। ओके कल गाड़ी सीखूंगा। ग्राउंड में जाना पड़ता है। गार्डन में नहीं, ग्राउंड में। धूप देगा नहीं तो वहाँ पर छोटे बच्चे खेलते थे। अच्छा ठीक है। सुबह में कौन रहता है? सुबह में पूरे लोग रहते हैं, योगा झुम्बा सब लोग। अच्छा तो कल छुट्टी है तो कल काफी अच्छा बढ़िया सा लंबा सा ब्लॉग बना पाऊंगा। तो अगर आप रात जागते हो पढ़ाई करने के लिए तो आपको एक टिप दूंगा गाइस, आप ट्यूशन से जब भी आते हो, अपने कोचिंग से जब भी आते हो, तब 2 घंटे का पावर नैप लेते जाओ। उससे क्या होगा कि आपकी जो थकान है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप दिन भर थक जाते हो ना, तो फिर आप शाम को 2 घंटे का पावर नैप लो और फिर रात को पढ़ाई करने के लिए जाओ। वो जो दिन भर की थकान होगी वो उस 2 घंटे के पावर नैप से थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही रात को पढ़ाई करने बैठ जाओगे, वहाँ से आके यहाँ पे आए और सीधा पढ़ाई करने लग गए, तो आप उतनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए पहले 2 घंटों का पावर नैप लो और उसके बाद पढ़ाई करने बैठो। मुझे सवेरे उठकर पढ़ाई में से रुकी नहीं, और मेरे पापा मेरी आई बोलते थे कि सवेरे उठकर पढ़ाई करने से याद रहता है, लेकिन मुझसे नहीं होता था। फिर भी मैं उठती थी,
लेकिन होता नहीं था, जितना अपन दिन में शाम में रात में पढ़ सकते हैं उतना, मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं होती अपनी, पूरी नहीं होती, और पूरी आँखें जलन करती है, और उतने सवेरे उठो और फिर लर्न करो और फिर भूल जाओ, ऐसा होता था मेरा। तो चलो अभी मैं पावर नैप लेता हूँ, जाता हूँ कुछ स्नैक्स लाने, स्नैक्स खाने का मन हो रहा है मेरा, वहाँ से आया तो भूख लगती है ना, तो चलो नैप नहीं, नैप वो बाद में लूँगा, बाद में पहले स्नैक्स खाते हैं अच्छे से। क्या आया मैं, दो मेरे लिए दो स्वराध्या के लिए, बहुत ट्राई किया लेकिन नींद तो नहीं है, तो चलो बाहर चल के देखते क्या हो रहा है। और अपने आंगने में तुलसी के पास जल रहा है मस्त दिया, और अभी बारिश जैसा मौसम हो रखा है, जैसे मैंने सुबह बताया था 2-3 दिन लगातार बारिश आने वाली है। डिनर में जो चीज़ है उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान होने वाले हो, डिनर में बन रहा है चिवड़ा, बन भी गया। आपके घर पे कभी ऐसा होता है क्या? नहीं ना, हमारे घर में वैसे अगर डिनर में नाश्ता हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी डिनर में पोहे वगैरह बना देते। नींद ही नहीं आ रही, क्या करूँ, कोई टिप्स होगी तो बताना गाइस नींद लाने के लिए कमेंट सेक्शन में। अभी खाना पीना हो चुका है, और मुझसे अगर ब्लॉग बनाने में कुछ गलतियाँ होती हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते जाओ, और उन गलतियों को सुधारने के ट्रिक्स भी बताते जाओ, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप मुझे बताते जाओ ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। यू नो माई फाइनेंशियल कंडीशन वॉट इट इज, सो आई नीड टू फिक्स इट टू लाइव अ प्रॉपर लाइफ, सो आई नीड योर सपोर्ट गाइड्स, यू नो, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, टेल मी वेयर आई एम रॉन्ग एंड टेल मी हाउ टू करेक्ट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।